खुश आमदीद, मैं हूं आपका होस्ट DM नुमान अली और आप सुन रहे हैं मेरा प्रोग्राम मीट विद जिन्स। आज के इस एपिसोड में इंस्पेक्टर शहाब ने जो वाकया अरसाल किया था जनरल की रूह, उसका दूसरा हिस्सा आपकी सीमातों तक पहुंचाने जा रहा हूं। तो आइए सुनते हैं। सोजा गुलाम रसूल अपने लेबर्स के साथ पहुंचा तो एक बार फिर इस कमरे की तरफ रुख किया गया। देखा तो दीवार के किनारे, जब इस कमरे की तरफ रुख किया गया तो देखा दीवार के किनारे खून के कतरों को फर्श पर वाजिया तौर पर देखा जा सकता था। और सख्त गर्मी में इस दीवार के आगे हम 5 अफराद खड़े नहीं हो सके। वो क्यों नहीं खड़े हो सके, उसकी वजह यह है कि यह बस्ता सर्दी का एहसास था जो पूरे वजूद पर छाती जा रही थी। वो एक ना समझ आने वाला खौफ था जो दिल और दिमाग पर हावी हो रहा था। वालिद ने इस दीवार के पीछे जो कमरा था को छोड़कर बाकी तमाम जगह की मरम्मत करवाई और सबको मना कर दिया कि हवेली की दूसरी मंजिल पर मौजूद इस आखिरी हिस्से की तरफ ना जाएं। मेरी दादी हयात थी, दादी ने इस दीवार को करीब से देखने का फैसला किया तो इनको अनजाना सा खौफ था जो दिल पर मुसल्लत हो रहा था, पर फिर भी वो बज़िद थी कि उन्होंने एक बार इसका जायजा तो जरूर लेना है। आखिर को कि ये क्या इसरार है और ये क्या मिस्ट्री है, इसको सॉल्व करने की धुन उनके सर पर सवार थी। जब उस रातारी में दाखिल हुई तो उनके दिल पर निहायत खौफ तारी हुआ और जब वो उसके नजदीक पहुंची दूसरी मंजिल के सबसे आखिरी हिस्से की तरफ तो एक हिद्दत का एहसास था, जैसे बहुत जबरदस्त आग है जो इनके इर्द गिर्द रोशन है, इसकी तपिश आंखों के आगे अंधेरा ताई कर रही है, जिसकी वजह से सर भारी हो रहा है, कंधे वजनी हो रहे हैं और सर चकरा रहा है। न जाने कोई कुव्वत थी जो आगे पेश कदमी से रोक रही थी। ये सब बहुत था इसलिए उल्टे कदमों वो वापस पलट गई। वालिद इस हक में नहीं थे कि दीवार के साथ छेड़छाड़ की जाए, पर दादी बज़िद थी और इन्हीं के मशवरे से इस दीवार को गिराने के लिए जब कुछ हजरात को बुलाया गया तो बहुत खौफनाक वाकया पेश आया। वह कुछ यूं कि जब दीवार गिराने के लिए बदान यानी कि एक बहुत वजनी हथौड़ा दीवार पर मारा गया, बहुत बुलंद चिंगारियां निकल के काम करने वालों की आंखों में पड़ी। इसकी चीखों से पूरी हवेली गूंज उठी। जिस शख्स ने हथौड़े से दीवार पर जर्ब लगाई थी, बाकी जो लोग साथ थे वो भी घबरा कर पीछे हट गए। यहां पर ही बस नहीं हुई, अब हुआ कुछ यूं कि किसी नादीदा वजूद ने एक एक करके इन तमाम लोगों को जो इस काम की गर्ज से दूसरी मंजिल के सबसे आखिरी हिस्से की तरफ गए थे, इनको उठाकर दूसरी मंजिल से नीचे पटक दिया। दादी और वालिद साहब समेत और घर के जितने अफराद थे ये मंजर अपनी आंखों से देख रहे थे। सबसे पहले एक शख्स सीढ़ियों से नीचे गिरा, इसकी आंखें जख्मी थी और इनसे खून निकल रहा था। यके बाद दीगर बाकी लोग भी तकरीबन इस अंदाज से गिरे के किसी ने गोया हवा में उछाल दिया हो। वो सभी लोग जो नीचे गिरे थे
वो हिजयानी अंदाज से चीख रहे थे और भाई की तरफ भाग खड़े हुए। एक लेबर बेहोश हो चुका था जिसका वालिद अस्पताल ले गए। ये वही था जिसने दीवार गिराने के लिए जर्ब लगाई थी और जिसकी आंखें जख्मी हो गई थी, जो कई माह के इलाज के बाद ठीक हुई। इस दौरान दादी के साथ बहुत अजीब मामला पेश आए। दादी की चोटी बहुत जो बहुत लंबी थी, यानी सर के बाल, इनको अपने बालों से बहुत शगफ था, बहुत प्यार था। एक दिन दादी ने ख्वाब में देखा कि एक कद्दावर शख्स जो बहुत फौजी शख्सियत का मालिक है और फौजी तर्ज का लिबास जेब तन कर रखा है, ये दूसरी मंजिल से नीचे उतर रहा है। इसके हाथ में एक तलवार है जिसको नहायत महारत से घुमा रहा है। इस तलवार से खून टपक रहा है। इस शख्स ने तलवार का रुख दादी की तरफ करके बहुत रूपदार आवाज में मुखातिब किया, मेहरुन्निसा, दूसरी मंजिल पर हम रहते हैं। ये दीवार तुम गिराने का इरादा रखती हो, हम इसके मुहाफिज हैं। अब तो तुम्हें हम सजा देने आए हैं जो बहुत नाकाफी है। खबरदार जो आइंदा इस दीवार की सिमत रुख किया तो जन और बच्चा खोलों में पेल दूंगा। इसके साथ इसने तलवार सर से बुलंद की तो दादी की लंबी चोटी आप ही आप हवा में तैर गई, जिसको एक ही तलवार के जर्ब से इस बारोप शख्स ने सर से जुदा कर दिया। दादी की लंबी चोटी अब इसके मजबूत हाथों में थी। दादी तेवरा कर नीचे गिरी और इस शख्स के हाथों में झूल गई। साथ ही खौफ से दादी की आंख खुल गई। देखा तो अपने आप को बिस्तर पर पाया, पूरा बदन पसीने में शराबोर था। डर और खौफ से जिस्म कांप रहा था। जब दादी ने घबरा कर सर के पीछे हाथ की ओर अपनी चोटी देखी तो वहां पर चोटी मौजूद नहीं थी। दादी ने एक फलक शिकाव चीख मारी और सब लोग दौड़कर दादी के कमरे में पहुंचे तो इस नाकाबले फरामोश और खौफनाक वाक्य को जानकर सब लोगों के बदन पर दहशत और खौफ तारी हुई और सबके रोंगटे खौफ से खड़े हो गए। वो दिन था और इसके बाद हमने कभी इन आवाजों को जानबूझकर इसकी कुरेद करना छोड़ दी। आवाजें तो एक मखसूस टाइम पर रोज सुनाई देती थी और वक्त के साथ साथ हम इसके आदी हो गए। हमारी आदत थी कि हम दूसरी मंजिल के आखिरी सिरे पर किसी मेहमान को और किसी अजीज रिश्तेदार को जाने की इजाजत नहीं देते थे। बल्कि वालिद साहब ने उस जगह पर एक रुकावट खड़ी कर दी थी कि कोई अगर भूल कर भी इस तरफ आ निकले तो वो उस तरफ ना जा सके। तकरीबन अपनी सारी जिंदगी वहां गुजार देने के बाद और दादी की वफात के बाद वालिद ने यह हवेली सेल आउट कर दी। और जिनको यह हवेली सेल आउट की गई, वालिद साहब के बहुत अजीज और करीबी दोस्त थे जो अक्सर उस हवेली में आते जाते थे और उस हवेली की बाबत तो वो तमाम बातें जो वालिद साहब पर और उनकी वालदा यानी दादी पर बीती थी वो इनके इलम में थी। आज भी हवेली मौजूद है पर इसकी दीवार के पीछे जो कमरा है इसकी मिस्ट्री कायम है। उसकी मिस्ट्री कायम होने की वजह उस वजी और फौजी तर्ज का लिबास पहने हुए शख्स की वो धमकी है जो दादी को वो देकर गया था। तो इसी बेहतरीन और दिलचस्प वाक्य के साथ अपने होस्ट
डी एम नुमान अली को इजाजत दीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के नाकाबले फरामोश किस्सों और वाक्यात के साथ। अल्लाह हाफिज़।